नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई कोविड के खिलाफ 90% प्रभावी होने की संभावना है। ये कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। देश के एक शीर्ष डॉक्टर ने सरकार के एडवाइजरी पैनल को ये जानकारी दी। केंद्र सरकार के कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन N.K. अरोड़ा ने कहा है कि ये वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में पहुंच चुकी है और अक्टूबर महीने से मुहैया हो सकती है। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन को कॉर्बी वैक्स कहा जाएगा और ये नोवा वैक्स वैक्सीन की तरह ही होगी। कंपनी के मुताबिक नोवा वैक्स कोविड के वेरिएंट के खिलाफ 90% से ज्यादा प्रभावी है। नोवा वैक्स को देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए बनाया जाएगा। ये कंपनी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भी बना रही है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि नोवा वैक्स बेहद रोमांचक है। पिछले कुछ हफ्तों में ये बात सामने आई है कि भारत एक साल में करीब 1 अरब डोज का प्रोडक्शन करने जा रहा है। ये आसान और सस्ता होगा और इसकी एफिशिएंसी करीब 90% होगी। इसी से मिलती जुलती भारतीय वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल में है, जो बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन है। ये वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए सेफ है और इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। खास तौर पर हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई काफी कैपेबल साबित हो सकती है। इसे 2 डोज के लिए 250 रुपए की कीमत पर बेचा जा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि नोवा वैक्स वैक्सीन की मिलती जुलती क्षमता के साथ बायो ई अक्टूबर महीने में बाजार में आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहे तो बायो ई की क्षमता करीब 90% होगी। ये जल्द ही तीसरे फेज के ट्रायल की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरपर्सन भी है। ये ग्रुप सरकार को वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों पर सलाह देने का काम करता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।